फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। और आज की संडे ना मेरी थोड़ी सी लेट लतीफ थी, क्योंकि मैं उठी तो थी छः बजे, पर मैं जब बहुत नींद आ रही थी, मैं फिर से जाकर सो गई। और फिर उठी तो देखी 8:20 हो गए हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो 6 बजे परी को पापा को कहीं जाना था, तो मैं उठी, फिर वो गए, तो फिर से मैं गेट वेट बंद करके सो गई थी। और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ उठी, तो मैंने सबसे पहले लगाया मसील धुलने के लिए कपड़े, क्योंकि संडे को है ना कि बहुत पूरे सप्ते के बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो हम सोचते हैं संडे को धोएंगे, तो सारे कपड़े मैं आज मशीन में लगा दी हूँ। और जब मशीन में पाइप लगाती हूँ तो परी वहीं पर खड़ी रहती है। परी को भी हो रखी है सर्दी, तो मैं उसको बोल रही बेटा मत कर, पानी से मत खेला। और ये सुबह सुबह उठी बोली मम्मा मुझे ट्यूशन का होमवर्क करना है। तो ये देखो मैं इसको कॉपी निकाल के रखी हूँ, तो इधर छोड़ के उधर मशीन लगाई ना, तो वहाँ जाके खड़ी है। जब तक पानी मशीन में नहीं भर जाती तब तक वो वहीं खड़ी रहेगी। और क्रिशु भी उठ गई है, तो इसको भी सर्दी हो रखी है ना, तो ये भी थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई है आजकल। और ये छोटा वाला टैडी बहुत दिनों के बाद मिला, तो अभी फिर से बच्चे इससे लगे हुए हैं खेलने के लिए। कभी कभी दोनों में तो झगड़ा भी हो जाता है इस टैडी के लिए। और मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में बनाने सुबह का नाश्ता। तो नाश्ता सिर्फ मुझे अपने और बच्चों के लिए ही बनाना है। तो मैंने परी से पूछा बेटा क्या खाओगे, तो मैंने उसे पूछा पोहा खाओगे, इडली खाओगे, क्या खाओगे, तो बोली मम्मा इडली बना दो, इडली खाऊँगी। तो फिर वो परी की पसंद का बन रहा है इडली, और बनाऊँगी मैं चटनी। तो सारे बैटर को मैंने अच्छे से मिला लिया, फिर इसको सांचे में डाल रही हूँ। तो इडली वाला बहुत ही, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो कहते हैं इडली कैसे बनाते हो कैसे बनाते हो, तो मैंने इसका एक स्पेशल से वीडियो भी डाल रखा है, आप लोग अगर चाहते हो देखना तो देख लेना। तो ये मेरे सारे इडली बनके तैयार हो गए हैं, एक तो खाली ही रह गया, क्योंकि कितना भी अंदाज से कर लो फिर भी कम बेसी हो ही जाता है। मैं सोची थी सिर्फ 8 ही इडली बनाऊँगी, पर ज़्यादा हो गए। और संडे ऐसा होता है ना कि रिलैक्सिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता, भले संडे को हस्बैंड के ऑफिस बंद हो, बच्चों की स्कूल बंद हो, पर हमारे लिए मेंटली प्रेशर बिल्कुल वैसे ही रहता है काम को लेकर जैसे कि सप्ते के और बाकी दिन रहते हैं। तो मेरे साथ तो बिल्कुल वैसे ही होता है। ये दोनों बच्चों खड़े हैं कि मम्मा जल्दी से दो हमें खाना बनाकर, भूख लगी है। और वो परी को स्कर्ट पहनाती हूँ ना, तो क्रिशु भी जिद करेगी मम्मा मुझे भी स्कर्ट पहनाओ, तो मैंने उसके लिए भी स्कर्ट निकाल दिया है, तो उसको भी कभी कभी पहना देती हूँ ना, तो खुश हो जाती है। और मैं ये चटनी बनाऊँगी मूँगफली और चने की। तो चने भी बहुत दिन से रखे हुए थे, मेरी नज़र पड़ी आज, तो मैं सोची इसको भी चटनी के साथ ही डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा। और ये देखो मेरी इडली कितनी फुली फुली बनी है एकदम। ये हमारी इडली, ये देखो कितनी मस्त बन के तैयार हुई है सारे। और चाहिए एक को, ऐसे खाली मैंने रख दिया था। खाओगे परी? बहुत दिन के बाद आज परी को इडली मिलेगा खाने। तो हमारी इडली बन के बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, ये देखो। इनको भी देखो, खाओ तो खाओ, चटनी के साथ खाओ, चटनी देखना। तो अब हो गई है दोपहर, यानी कि बज गए हैं पूरे के पूरे 1, और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, उसके बाद कपड़े धोई, उसके बाद नहाई। तो बहुत सारे संडे को काम हो जाते हैं ना, तो नहाना भी लेट ही हो गया आज मेरा, तो 1 बज गए मुझे नहाने में। और अभी जस्ट नहा के मैं बैठी हूँ, और कृष्णा बहुत रो रही थी क्योंकि मैं नहाने चली गई थी ना, तो बहुत रोने लगी वो। मैं जल्दी जल्दी नहा के निकली, फिर उसको वही गोदी में लेके बैठी हूँ कि थोड़ा सा चुप हो जाए। पर मेरे बाल जो है अभी बिल्कुल गीले ही हैं, तो गर्मी में तो ऐसे भी सूख ही जाते हैं बाल। और ऐसा होता है ना संडे को कि अगर कहीं जाना हो तो आराम से कहीं घूम फिर के आ जाओ, तो
अलग ही संडे निकलती है, और घर में रहो तो बस काम काम में ही निकल जाती है। तो ये देखिए मेरी बहादुर बेटी को कैसे किताब फाड़ रही है ताकत लगा के, ये देखो। अरे पढ़ने के लिए ना है, बैग खुलवाई और बैग में से निकाल के ये देखो कैसे फाड़ रही है सब बैठ के आराम से। खिलौने से आज तक नहीं खेले हो, बस यही कॉपी किताब फाड़ना है। चला दो ना परी। परी बदमाशी नहीं करते। बदमाशी करते हो? नहीं। ऐसे कर दो मम्मा को, कर दो मम्मा को। सुबह क्या लेके जाओगे? भिंडी का भुजिया, इसका भुजिया। अरे मत तोड़ो, मत तोड़ो अभी। और ये संडे को हमारी आती है पूरे हफ्ते की सब्जी, तो वही आई है ना, तो मैं सब रख रही थी जमा जमा के फ्रिज में। तो कृषु भी हमेशा देखती है, तो वही देख देख के वो भी सीख गई है कि मम्मा ऐसे ऐसे काम करती है। तो वो भी देखो मेरी हेल्प कर रही है कितने अच्छे से बैठ के। और ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो फ्रिज भी ऐसे बिल्कुल खोलोगे ना तो उसमें से जितने भी टमाटर जो भी रखे रहेंगे सब निकाल निकाल के फिर से बाहर कर देगी, फिर से ले जाके फिर अंदर रखेगी। तो ऐसी इसकी क्यूट सी हरकत है। तो फ्रेंड्स यही है मेरी छोटी सी दुनिया, जो कि मेरे बच्चे और घर के कामों के बीच ही घूमते रहती है। तो आई होप आप लोग को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।